नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के, यहाँ महानगर पालिका मुख्यालय के इस प्रांगण के साथ ही यहाँ कुछ लोग जमा हैं। तो ये लोग धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं, आगरी सेना के बैनर तले यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। मामला है वसई अंतर्गत नाला सोपारा की 41 बिल्डिंगों के ऊपर होने वाली तोड़क कार्यवाही का। 41 बिल्डिंगों का जो मामला है वो हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने उन बिल्डिंगों को तोड़े जाने का ऑर्डर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी याचिका गई, लेकिन इन लोगों को वहां से भी राहत नहीं मिली। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है कि महानगर पालिका को चाहिए कि इन लोगों का पुनर्वसन कैसा होगा, उसके लिए महानगर पालिका ध्यान दे। तो इसी मुद्दे को लेकर आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल के नेतृत्व में लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे यहाँ लोग जमा हो रहे हैं, जैसा आपने अंदर का हमने विजुअल दिखाया, यहाँ बाहर दिखाया, और भी कई सारे लोग यहाँ आने वाले हैं। जो अंदाज है करीब 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 10,000 के करीब लोग हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, और अचानक से उनके घरों से छत उजड़ जाने की ये नौबत आ चुकी है। हालांकि ये लोग ने कहीं कोशिशें की और कोशिशों के बावजूद इनको नाउम्मीद ही मिली है। अब ये जो मामला है कहाँ से शुरू होता है उस पर थोड़ा जरा मैं आपकी ध्यान डालना चाहूंगा। तो ये मामला है वसई विरार अंतर्गत बहुजन विकास आघाड़ी, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उसके एक नगर सेवक है सीताराम गुप्ता, वो और उनके भतीजे द्वारा सर्वे नंबर 22 से 30 इस जमीन पर उन्होंने सन 2009 के बाद कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल तरीके से शुरू किया। इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के बाद एक नहीं, दो नहीं, सीधे 41 बिल्डिंगें वहां ठोक दी गई और कई बिल्डिंगें भी वहां ठोकी गई। और उसके बाद ये मामला खुला और मामला जब कोर्ट में गया तो सीताराम गुप्ता के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ, वो जेल भी जा चुके हैं। उनके भतीजे अरुण गुप्ता वो भी जेल जा चुके हैं। उसके बाद फिर बात आई इसी बिल्डिंग को लेकर, जब बनाया जा रहा था तब महानगर पालिका प्रशासन को भी ये बात मालूम था कि ये रिजर्वेशन है, लेकिन वहां बनने दिया गया। और बनने के बाद में जब सीताराम गुप्ता के ऊपर इस पूरी बिल्डिंग का लेकर मामला आया, उनको जेल जाने की नौबत आई, तब ये मामले ने अचानक से तूल पकड़ा और ये इलीगल बताया जाने लगा। इलीगल बताए जाने के बाद में मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। अब इसमें जो लोगों ने अपना पैसा लगाया, पैसे फंसाए अपने और मकान लिया, अपनी गाड़ी कमाई का एक एक आना बचा कर अपना मकान लिया, वो लोगों में से कई लोग अनभिज्ञ थे कि कुछ इस तरह का भी हो सकता है। लोगों को यही लगता है कि चार माला की बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं चार माला है, इतना बड़ा है, महानगर पालिका हो या प्रशासन हो, वहां पर बीएमसी पानी है, यहाँ पर लाइट मीटर है, तो कहीं ना कहीं हमने जो पैसा लगाया वो सही है। अक्सर लोग यहाँ इस दुनिया में दिन भर की उधड़पुन में रहते हैं तो उनको यही नहीं समझता है कि हम कहाँ लीगल और कहाँ इलीगल। तो उस एक नासमझी में लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट क्या, वो कोई वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आशियाना ढूंढते हैं, अपने लिए एक छत ढूंढते हैं। अब ऐसे 10,000 लोग आज उनके ऊपर नौबत आ गई कि उनकी छत उजड़ने वाली है, और इसके सब कार्य किसकी जिसकी है मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इसका सामने वाले के ऊपर क्या असर, तो उस बात के लिए हम बात करें तो सीताराम गुप्ता जो एक बार जेल में जा चुके हैं और बाहर निकलने के बाद आज भी यहाँ उन्होंने काम छोड़ दिया है, तो नायगांव में उनका काम शुरू है। नायगांव में इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वहां भी रोकने वाला कोई नहीं है। वहां पर भी उनके कंस्ट्रक्शन को आज की तारीख में कोई रोकने वाला नहीं है, और यही एक बड़ी विडंबना है कि प्रशासन जो आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वहां नोटिस लगाकर नोटिस चस्पा कर चुका है कि ये अब बिल्डिंग तोड़ने हैं, तो अब इस मामले को लेकर लोग आक्रोशित है, यहाँ जमा हो रहे, क्या कुछ होता है हम नजरें बनाए हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, देखिए पूरी कवरेज वसई विरार से यूसुफ अली। 41 बिल्डिंग का जो मामला है उस पर आप आयुक्त से मुलाकात कर दे, क्या आपको आयुक्त ने जवाब दिया और क्या चर्चा हुई? ऐसा है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 41 बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंसर्न अथॉरिटीज या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जो वहाँ पे ऑक्युपेंट है जो रहवासी, उनको दिलासा देने के लिए उनका रिहैबिलिटेशन करना जरूरी है, तो वो करने की कोशिश करें और साथ साथ बिल्डिंग के डिमोलिशन के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा है कि
वो जजमेंट के साथ हम हमारे सब पदाधिकारी केला जी, महेंद्र जी, राजन अप्पा और सब हमारे जो पदाधिकारी थे से मिले, आयुक्त साहब और उनकी सब जो टीम थी उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो उसके उसमें एक तीन से चार प्रकार के सॉल्यूशन फिर निकले हैं। और अभी जो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए जो कोर्ट ने बोला है, तो उसमें इमीडिएट ना एक्शन लेते हुए उसमें कैसे थोड़ा सा डिले किया जाए, या फिर उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी इस बारे में हम जो उनका अभिप्राय है वो मांग रहे हैं, इसके बारे में जो रहीवा से उनको दिलासा मिलेगा। सर, पुनर्वसन की बात सही है, लेकिन इतना बड़ा जब एक कॉलोनी वहाँ निर्मित हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं उस समय के अधिकारी जो है जिन्होंने दुर्लक्ष किया, उनके ऊपर क्या इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? यही नहीं, दूसरी और भी कॉलोनियाँ हैं जहाँ लोगों को इस तरह से परेशानी आने वाले समय में हो सकती है, तो क्या ऐसे अधिकारियों के पैसे के पगार से पैसा रिकवर करके लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसा है, इस बारे में 2019 में और 2022 में कंप्लेंट दर्ज हुआ है। और ये जब बिल्डिंग हुई है, बिल्डिंग महानगर पालिका जब बनी तब नहीं हुई, उससे पहले सिड़कों की तरफ जब जमीन थी तब बनी है, उसके बाद जो हैंड हुआ तब उनका जमीन के मालक अलग थे, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे आए, जिसके बारे में जब वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी तब तक वहाँ पे लोग रहने जाने लग चुके थे, और अभी हम देख रहे हैं करीब करीब 20 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सर, आपकी दिशा भूल गई की गई है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया दो महानगर पालिका के स्थापना के पूर्व, तो कुछ बिल्डिंगें 2009 से पहले बनी है, बाकी की बिल्डिंगें 2009 के बाद में बनी है, तो ये सीधे तौर पर आपकी दिशा भूल करने के लिए महानगर पालिका ने इस तरह का आपको शायद जानकारी दी है। बराबर है, आपकी सूचना जो है बराबर है, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है बिल्डिंग का उसके बारे में हम सोच रहे हैं, और इसी के लिए करीब चार प्रकार के जो विकल्प आज की डिस्कशन में तैयार किए गए हैं, और जिसके बारे में हमें ख्याल है कि रहीवासी जो है उनको थोड़ा सा दिलासा मिल जाएगा। सर, एकीकडे डिमोलिशनची नौबत आलेली आहे आणि तो विकासक सीताराम गुप्ता आता तो नायगावला बांधकाम करत आहेत इलिगल, आणि त्याच्यावर एक्शन नाही, म्हणजे काय त्याच्याबद्दल? आता कंप्लेंट हे झालेले आहेत, कंप्लेंट आलेले आहेत, त्याच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे, त्याच्या इतर ज्या जमीन त्याच्याबद्दल सुद्धा कोर्टाने, महानगरपालिकेने, स्टेट गव्हर्नमेंट ही भूमिका घेतली पाहिजे। परंतु आता सध्या आपल्याकडे प्रश्न रहिवाशांचा प्रश्न क्या मांग रहे, हा कसा आहे सर, हा मोर्चा नाही आहे, आम्ही आमचे निवेदन देण्यासाठी आले, हम निवेदन देने के लिए आए हुए, हमारे आगरी सेना के आगरी में ही आ गए, हम गांधी जी के तत्व पे चलने वाले लोग हैं, करते कैसे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले बिना हमें यहाँ हमारा जो कहना है वो कमिश्नर साहब के पास देना चाहते हैं। और कमिश्नर साहब का जो पहली बार पहले मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ था वो पॉजिटिव था, तो अभी पॉजिटिव का नतीजा देखो, यहाँ पंतप्रधान आवास योजना है, यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना है, गरीबों के लिए घर दे रहे, तो 15 साल रहने वाले जो 15 साल से रहने वाले को क्यों घर करना है? तो हमारा सिंपल कहना है, घर के बदले घर दे, नया डीसीआर के हिसाब से सब कैलकुलेशन उन्होंने करना चाहिए और प्रपोजल शासन को देना चाहिए, जैसे जो डायरेक्शन है कि महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन इन्होंने इसमें डिफरेंस करके इनको रिहैब कैसा करना है, ऐसे डायरेक्शन है, इनडायरेक्टली डायरेक्शन से त्याग जागी उठती, त्याग जागी त्याग जागी त्याग जागे तो आम्हाला कुठे चालेल, इंडस्ट्रियल त्याग जागेवर तिकडे एक पार्ट बिल्डिंग तोडा, टॉवर बांधा, आमच्या लोकांना टॉवर मध्ये सुविधा, आमच्या घर आमच्या लोकांना पक्की घर, हमारे लोकों को पक्की घर, सिंपल कहना। आता जर का प्रशासन पुढचं पाऊल काय असणार? आगरी सेनेमध्ये जाग आहे हो, काय काळजी करू नका, लोकांसाठी कॉमन आदमी के लिए लंबे वाले लोग और रस्ते पे उतर के काम करने वाले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यामध्ये आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश पारित करा, डिमॉलिशन करता आहे बा, हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य करावेच लागतील, आमचं जे म्हणणं आहे ते आम्ही माननीय आयुक्ताकडे ह्यासाठी
घराच्या बदल्यात घर द्यावं, जे आपण पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांचं स्वप्न आहे की घर के आपका सबका घर हो अपना, मुख्यमंत्री त्याप्रमाणे त्यांना घराच्या बदल्यात घर देण्यात यावं ही आमची अपेक्षा आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे. बिल्डरनी घर बांधून निघलेली त्याच्यावरती अजूनपर्यंत कारवाई झाली नसेल तर त्यासाठी तुमचं काय अजून मागणी? त्यांच्यासाठी महानगरपालिकेने तत्परता घेऊन त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करावे. जे त्यावेळेचे कमिशनर होते त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करावे. ते महानगरपालिकेने करायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. 15 वर्ष महानगरपालिका तिथे घरपट्टी पाणीपट्टी नित्यनेमाने वसूल करते, महावितरण तिथे नित्यनेमाने लाईट बिल घेते, तर या संबंधित अधिकाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. पण आमची अग्रेसरची प्रमुख मागणी हीच आहे की घराच्या बदल्यात घर देण्यात त्याला कशाला बाहेर ठेवलंय. मार्केट वाली महिला है, अपने रुस्तम जी से सब लेडीज आई है, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. आज आप यहाँ इतनी संख्या में लोग आए, मैं अपने खासदार हेमंत जी सावरा जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से कमिश्नर के साथ और सब पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमको कोऑपरेशन दिया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. जिस हिसाब से कमिश्नर से बात हुई है, हमको हमारा घर मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. घर के बदले घर मिलना चाहिए. इसमें जो उन्होंने 3-4 प्रपोजल दिए हैं उसके ऊपर अभी हम ज्वाइंटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अपने को सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार जाएंगे. हमारे सीनियर काउंसिल साहब है क्या यहाँ? सीनियर काउंसिल साहब जरा प्लीज आगे आइए. उन्होंने एक प्रपोजल दिया है इसमें स्टे लाने के लिए, और कुछ बात ऐसी है जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, मगर एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के बदले घर मिलेगा. सीवन का सब्जेक्ट है वो भी डिस्कस हुआ है. कुछ बैकफुट पे जाना पड़ेगा, फिर आगे आना पड़ेगा. मैं सब बात आपको बोल नहीं सकता, ओपनली बोल नहीं सकता, मगर चिंता मत करो. उनका बहुमूल्य समय निकाल के आज आपके लिए इधर आए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. और उन्होंने जिस तरह से प्रपोजल रखे हैं, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जाएंगे, साइमल्टेनियसली ज्वाइंटली काम करेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ है. कमिश्नर और इनके लोग जो प्रपोजल देंगे, सीनियर काउंसिल भी अपने साथ में है, उन्होंने बोला है कि इसमें स्टे मिलेगा अपने को, जल्दी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. और एक जिस हिसाब से ऊपर डिस्कशन, हम सब दोनों हाथ ऊपर करें, हम सब आज वसुंधरा महानगर पालिके के माननीय आयुक्त माननीय श्री अनिल कुमार गवार और उनके साथ हमारे पालघर जिला के लोकप्रिय सांसद हेमंत जी सागरा साहब और हमारे मार्गदर्शक कैलाश सरकार और सब लीगल टीम. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.